सुंदर वन के जंगल में मीनू चिड़िया अपने बेटे टुन्नू के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया का पति टूटू चिड़ा बहुत पहले मर चुका था, इसीलिए वे फल बेचकर अपने बेटे का गुजारा किया करती थी। बेटा, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर नहीं निकलना, अगर उस चीन ने देख लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया बगीचे में फल तोड़ने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया बगीचे से फल इकट्ठा कर बाजार में बेचने लगती है। वे बगीचे से ताजे ताजे फल तोड़कर बेचा करती थी, इसीलिए हर कोई उसी से फल खरीदना पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया के बगल में कालू कौवा भी अपनी फलों की दुकान लगाया करता था, लेकिन उसके फल खराब और महंगा होने के कारण कोई भी उसके पास फल खरीदने के लिए नहीं जाता था। तभी कालू कौवा कहता है, सभी लोग तो उस मीनू चिड़िया से ही फल खरीद रहे हैं, अगर मेरा फल ना बिका तो यह सड़ जाएगा। तभी मीनू चिड़िया अपने सारे फल बेचकर अपने घर चली जाती है। टुन्नू अपनी माँ से बोलता है, लगता है माँ आज सारे फल बिक गए क्या? हाँ बेटा, आज हर कोई हमारे ही फलों को पसंद कर रहा था, इसीलिए आज हमारे सारे फल बिक गए। ऐसे ही रोज होता रहा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मीनू चिड़िया के फल ताजा होने के कारण लोग उसी के पास रोज फल लेने आने लगे। अब तो हर कोई इस मीनू चिड़िया से ही फल खरीदता है, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। मीनू चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। उस दिन आधी रात होते ही कालू कौवा मीनू चिड़िया के बगीचे में जाता है और मीनू चिड़िया के बगीचे में सारे फलों के पेड़ काट देता है। देखता हूँ तू कल कहाँ से फल बेचती है। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया और टुन्नू अपने बगीचे में फल तोड़ने के लिए जाते हैं और अपने पेड़ों को कटा हुआ देखकर वो हैरान हो जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या अनर्थ हो गया, यही तो हमारे घर का एकमात्र सहारा था और अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। तब टूनी परेशान हो जाती है, वो अपने बेटे का लालन पोषण कैसे करेगी। मीनू चिड़िया की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मीनू चिड़िया के फल न लगाने के कारण बाकी पक्षियों को कालू कौवे से ही फल खरीदना पड़ता था। एक दिन टुन्नू अपनी माँ से बोलता है, माँ घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं बचा, लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। बेटा ऐसा मत बोलो, रुको मैं जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तब मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ती है। कुछ ही दूर जाने पर मीनू चिड़िया को जमीन पर पड़ा उल्लू दिखाई देता है जो पूरी तरह से जख्मी था। नहीं, उल्लू दादा के पंख से खून बह रहा है, मुझे उनकी जान बचानी होगी। तब मीनू चिड़िया उल्लू दादा के पंख पर कुछ जड़ी बूटियां लाकर उनके पंख पर लगा देती है। तब उल्लू दादा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद मीनू। तब मीनू चिड़िया उल्लू दादा को अपने घर की स्थिति के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम रुको मीनू,
मैं अभी तुम्हारी सब समस्या का समाधान कर देता हूँ। ये लो जादुई बीज, इन्हें अपने आंगन में जाकर बो देना। तब मीनू चिड़िया उस बीज को लेकर अपने घर चली जाती है। रात होते ही मीनू चिड़िया उस बीज को जमीन में रोप देती है। वहां पर एक पेड़ उग जाता है जिस पर सभी प्रकार के फल लगे हुए थे। एक ही पेड़ पर सभी फल देखकर मीनू चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी मीनू चिड़िया उन फलों को तोड़कर अपनी टोकरियों में भर लेती है। अगले दिन से मीनू चिड़िया बाजार में फल बेचने लगती है। सभी पक्षी उसके पास फल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा हैरान रह जाता है। अरे, इस मीनू चिड़िया के पास फल कहाँ से आ गए? मैंने तो इसके सारे पेड़ काट दिए थे। और उसी दिन कालू कौवा आधी रात को मीनू चिड़िया के घर के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि यहां तो कोई भी फल का पेड़ नहीं है। अरे, ये मीनू चिड़िया फल कहां से ला रही है? इसके पास फल कहां से आ रहे हैं? और फिर एक दिन तेज बारिश के साथ तूफान आना शुरू हो जाता है और उस तूफान में कालू कौवे के फलों के पेड़ टूट जाते हैं। कालू कौवा कहता है, हे ऊपर वाले, मैंने मीनू चिड़िया के पेड़ काटे थे और आज मेरे पेड़ कट गए। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो मेरे किए की सजा मिल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो कभी ना कभी हमें उसके किए की सजा भी मिलती है।